चैनल आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आई एम ए लाइफस्टाइल ब्लॉगर एंड टुडे इज माय फर्स्ट ब्लॉग ऑफ 2024 एंड आज का ब्लॉग ट्रेवल ब्लॉग से शुरू होंगे। तो आज मैं और मेरी फैमिली रिजॉर्ट में जा रहे हैं। इट्स ए ग्रीनवुड रिजॉर्ट सिचुएटेड इन गुवाहाटी खानापाड़ा। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं जनवरी के महीने में कहीं जाने के लिए, या फिर कोई रिजॉर्ट में जाने के लिए, या फिर ग्रीनवुड रिजॉर्ट का रिव्यू चाहते हैं, या कोई असम से बाहर के लोग असम में घूमना चाहते हैं, तो आप सब सही चैनल में आए हैं। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं ग्रीनवुड रिजॉर्ट में। हमारे यहाँ से बस 10 मिनट ही लगा, बहुत ही सामने ही है हम लोग का ये रिजॉर्ट। गाइस, अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो रेस्टोरेंट, बार, ये सब कुछ है इस तरफ। गाइस, अगर आप इस टाइम में आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए ना, फ्लावर्स अभी कितने अच्छे से फूले हुए हैं। यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा लगेगा और हम भी यहाँ पे खींचेंगे। अभी उस साइड में ये बार एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे जाएंगे लंच के टाइम। और इस टाइम में फ़ोटो खींचने के लिए बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ पे इतना हरियाली हरियाली है। ये देखिए फूल कितने अच्छे से फूले हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आओगे ना इस टाइम में तो बहुत अच्छा लगेगा, विंटर सीजन में मेनली। है अरोमा बार एंड रेस्टोरेंट में आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगी कि कितने प्राइस में क्या मिलते हैं, क्या क्या। और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए कितना सुंदर प्लेस है। यहाँ पर भी आप फोटो खींच सकते हैं और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बातें कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे रील्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड वगैरह बहुत सुंदर लगेगा। आप यहाँ पे रील्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। सो यहाँ मेरी मम्मी और पापा का शूटिंग चल रही है। तो अब हम दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, दूसरे साइड में जाएंगे और देखेंगे और क्या क्या है। मैं बहन की वीडियो कर रही हूँ। मेरे साथ तो नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हेलो गाइस, ये मेरी दीदी अब ब्लॉगिंग कर रही है और मैं और मम्मी यहाँ पे छोटे बच्चे की तरह यहाँ उठ गई है। सो गाइस, उस तरफ बच्चों की प्लेग्राउंड थी और यहाँ पे देखिए कितनी सारी हरियाली है, कितना सुंदर लग रही है यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए, कितना सुंदर लग रहा है ना, ट्रीज वगैरह। और इस तरफ है कैफ़े, यहाँ पे बाद में जाएंगे, यहाँ फर्स्ट हम फ़ोटो खींचेंगे और साथ में रील्स करेंगे। फॉलो करना मत भूलिएगा, जल्द ही अपलोड हो जाएंगे।
तो गैस हम लोग का फ़ोटो खींचना यहाँ पे और रील्स बनाना ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे, स्नैक्स वगैरह, कैफ़े में जा रहे हैं। ये है कैफ़े बागान, यहाँ पे सामने ही स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल अभी बंद है क्योंकि अभी ठंड के मौसम है, कोई इतना ठंडा पानी में उतरते नहीं है। इट्स सो ब्यूटीफुल कैफ़े, यहाँ पर भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं कि आप फ़ोटो ना खींचो। सो गाइस यहाँ पे टैबलेट सिस्टम है, आप टैबलेट में देख सकते हैं मेनू, यहाँ पे प्राइस भी, आप सब पोस्ट करके देख सकते हैं ईच आइटम क्या क्या है। गाइस हम कैफ़े से आ गए हैं और आप सबको दिखाया मेनू, आप पोस्ट करके प्राइस देख सकते हैं। और अभी आप सबको थोड़ा बहुत दिखा दिया है, ये बहुत अच्छा जगह है, पीसफुल जगह है और फ़ोटो खींचने के लिए तो बहुत बढ़िया है ये प्लेस। तो आप यहाँ आ सकते हो और होटल के लिए आई थिंक 5000 से स्टार्ट होता है और एंट्री फ्री है, कोई पे नहीं है एंट्री के लिए। सो आप यहाँ पे आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ या फिर अपनी पार्टनर के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आना चाहते हो आप आ सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ पे आप। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, कमेंट करिए कि मैंने कैसा किया है ये वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन लगा कि नहीं, तो सब कुछ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो और कैसा लगा ये भी बताइए मुझे। और हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आप सब भी आ सकते हो तो मैं अच्छा ही रिव्यू दूँगी ग्रीनवुड रिजॉर्ट का, तो आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो गाइस कैफ़े के साइड से ही यहाँ पे ये घर दिख रहा है, ये सब होटल्स है, कितना सुंदर होटल्स है देखिए। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ ये होटल्स वगैरह यहाँ पे है और हर जगह हरियाली हरियाली, आपको तो पता है असम एवरग्रीन है, हिल्स एंड एवरग्रीन, तो यहाँ पे एवरग्रीन एंड एवरग्रीन है। तो गाइस यहाँ पे घोड़ा भी है, आप यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, मतलब इस रिजॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं है, कितने खूबसूरत जगह है, फ़ोटो खींच सकते हो, रील्स बना सकते हो, स्विमिंग पूल में स्विम कर सकते हो, घोड़ा में बैठ सकते हो, खाने के लिए कितनी चीज़ें है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट और बार है, मतलब बहुत इंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस अभी लंच टाइम हो गया है, तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं अरोमा में,
अरोमा रेस्टोरेंट जो आपको दिखाया था कि लंच करेंगे यहाँ पे। सो गाइज, हम लोग का लंच वगैरह हो गया, आज का हम लोग का घूमना भी हो गया है। वी विल मिस इट, दिस प्लेस बहुत सुंदर है और दोबारा आने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। तो बताओ आज कैसा लगा घूम के? मोए मोए लगा, मोए 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 तो आज का ब्लॉग यही खत्म होते हैं गाइस, बाय बाय।